इस समय जालौन लोकसभा में आप कालपी विधानसभा में आपको प्रभारी बनाया गया है। कालपी विधानसभा में इस समय पाल बघेल समाज की सर्वाधिक जनसंख्या है, आप कितना प्रतिशत वोट भारतीय जनता पार्टी को दिला पाएंगे? कालपी विधानसभा पिछले 2022 में इस समाजवादी पार्टी के खाते में है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी थी, पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी है तो हम पूरी तरह से पूरी ताकत लगा करके 20,000 वोट से कम 20,000 की लीड से कालपी विधानसभा जीते। आपको पूर्व में वो दिन याद दिलाना चाहते हैं जब आपके ही पार्टी के आपके ही सरकार के केंद्रीय मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया था कि लोकसभा चुनाव में हम राकेश पाल जी को एक बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं, वो जिम्मेदारी का इंतजार आज भी हमारी समाज कर रही है, कब मिलेगी वो जिम्मेदारी आपको? माननीय मंत्री जी ने कहा था हमारा काम काम करने का है, ये ऊपर के लोगों का संगठन के लोगों का काम है, ठीक है, पार्टी ने जिम्मेवारी दी है उसमें हमें खरा उतरना है। मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में और सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में हमारा समाज देखना चाहता है। एसपी सिंह बघेल को लोकसभा चुनाव के बाद भारत सरकार के अंदर बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी इस बार? आपकी जन अदालत की से मैं हूँ राजा भैया पाल, मैं इस समय उत्तर प्रदेश में हूँ जहाँ पर बुंदेलखंड से एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में यूपी CLDF के डायरेक्टर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया जी। पहला सवाल करना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी की भी आप जिम्मेदारी देख रहे हैं और तरीके से देखे जाए तो अखिल भारतीय पाल बघेल धनगर महासभा के भी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपने भारतीय जनता पार्टी क्यों चुनी जबकि कांग्रेस भी देश की एक बड़ी पार्टी थी, तो आपने भारतीय जनता पार्टी की तरफ क्यों रुख किया? देखिए मैं राजा भैया जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, बहुत लंबे समय तक भी कांग्रेस की सरकार देश में रही, प्रदेश में रही और मैं भी लंबे समय तक मैंने समाजवादी पार्टी में 2000 से लेके 2002 से लेकर के और 2022 तक मतलब लगभग 20 साल हमने, लेकिन निरंतर ये देख रहे थे कि हमारे खास तौर से बुंदेलखंड में जिस तरह से उपेक्षा की जा रही थी, बुंदेलखंड में जिस तरह से हमारी आबादी है, जिस तरह से आबादी के हिसाब से जो सहभागिता मिलना चाहिए थी वो उत्तर प्रदेश, फिर अगर हम देश लेवल पे आए तो मैं सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ आदरणीय मोदी जी से, देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने आज़ादी के बाद से लगभग 75 साल से ऊपर आज़ाद देश को हुए हो गए, उससे पहले कई प्रधानमंत्री बदले देश में, करीब 15-16 प्रधानमंत्री हो गए, उसके उसमें किसी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी जिन्होंने हमारी देवी लोक माता अहिल्याबाई होलकर, देवियां तो बहुत हुई, देवी तो आवंती बाई, कर्मा बाई, झलकारी बाई, रानी लक्ष्मी बाई, तमाम वीरांगनाएं और देवियां हुई हैं देश में, एकमात्र ऐसी देवी हुई है जिनके आगे पुण्य श्लोक माता, जो लोक माता लगा है, लोक माता अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने धार्मिक क्षेत्र में 12 ज्योतिर्लिंग से लेकर के 12,700 धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार कराया पूरे देश में, जहां औरंगजेब ने जो तहस नहस कर दिया था सोमनाथ को लेकर के, तमाम जितने मंदिर ढहाए थे वो सारे के सारे, अगर सबसे बड़ा काम इस देश में हमारे सनातन धर्म को बचाने का अगर कोई काम किया है, जिसको नेस्ता नाबूद मुगल शासकों ने किया था और उसको अगर
उबारने का काम किया है, तो वो देवी अहिल्याबाई होलकर ने, और देवी अहिल्याबाई होलकर को अब तक इतिहास के पन्नों में तक सीमित रहेंगे, लेकिन इतिहास को अगर ठीक तरह से सजाया है, संवारा है और इतिहास को उबारने का काम किया है, तो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। उन्होंने काशी विश्वनाथ का जब कॉरिडोर बन रहा था, तो उन्होंने पूरे देश की मीडिया थी और देश के सामने कहा कि अगर अहिल्या जी ना होती, देवी अहिल्या ना होती, तो ये काशी का स्वरूप ना होता। और उसको जिस तरह से जो बनाया वो जीर्णोद्धार, उन्होंने जिस तरह की डिजाइन मंदिर की थी, उसको और अच्छे तरीके से, उसी को जो कॉरिडोर बनाया है, उस कॉरिडोर में सबसे पहले जब जाते हो तो देवी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति लगाने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया, और हमारे इतिहास को, हमारी समाज की देवी को एक ऐसा स्थान दिया है। और उन्होंने बेबाक तरीके से कहा भी है कि ये काम देवी अहिल्याबाई होलकर ने किया, तो 12 ज्योतिर्लिंगों पर भी कोई ना कोई काम देवी अहिल्याबाई होलकर ने किया है। कांग्रेस और बीजेपी को जो हम तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि कोई केंद्र में इससे पहले मंत्री नहीं रहा हमारा, प्रदेश में कुछ सरकारें रही हैं, बसपा रही है, सपा रही, क्षेत्रीय दल रहे हैं, ये नेशनल दल नहीं है। कुछ समय के लिए बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय दल हो गई थी, लेकिन अब उसका ग्राफ गिर गया है। तो इन्होंने सेंट्रल लेवल पर हमारा कोई देश में, हमारा उत्तर भारत से कोई राजनीतिक मुख्य भूमिका में किसी, कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य रूप से दो ही दल हैं, कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन बीजेपी ने हमें प्रोत्साहन दिया। स्टेट में अभी हमारे एक मिनिस्टर हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार में, देश की सरकार में मिनिस्टर हैं, तो देश की सरकार में माननीय एसपी सिंह बघेल जी हैं, प्रदेश की सरकार में माननीय अजीत पाल जी हैं, तो ये हमें भागीदारी, मंत्रिमंडल में भागीदारी दी है, विधानसभा में भागीदारी दी है, और निश्चित रूप से अभी भी अभाव है। हम ये मानते हैं कि हमारी जो पाल बघेल धनगर की हमारी जो आबादी है, उस आबादी के हिसाब से हमें पर्याप्त भागीदारी नहीं मिल रही है, लेकिन इसके लिए भी हमें समाज के लोगों से मैं आह्वान करना चाहूँगा कि हमारी उपस्थिति दर्ज कराने का, हम जब तक राजनीतिक दलों को हम अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराएंगे, हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अपना संख्या बल का अभाव नहीं कराएंगे, ये आवास अगर नहीं कराया, तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, हमारे नेताओं की जिम्मेवारी बनती है कि हमें अपनी, हम कहते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में इतना है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में की संख्या को देखते हुए, कभी उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि हमारी आबादी 1 से 1.5 करोड़ की आबादी है, तो भाई ये कहाँ है, ये आबादी को दिखना तो चाहिए, सड़क पर दिखना चाहिए, कार्यक्रम होते हैं पार्टी के वहाँ दिखना चाहिए, या तुम्हारा किस कहाँ जो आपका अपना स्वयं की ताकत है वो दिखानी चाहिए। तो जब तक हम लोग ये नहीं दिखाएंगे और राजनीतिक दलों को अपनी उपस्थिति का एहसास नहीं कराएंगे, तो कोई भी राजनीतिक दल, मैं समझता हूँ कि जो जिस हिसाब से भागीदारी मिल रही है, या प्रदेश में या देश में जो भी भागीदारी मिल रही है, आज के हिसाब से जो संख्या बल है, उसमें आगे शीर्ष नेतृत्व को इससे बताया जाएगा, शीर्ष नेतृत्व से बात रखी जाएगी, प्रदेश अध्यक्ष से, देश प्रदेश में और देश में भी हम चाहेंगे, और ये प्रयास हमारा है कि आगे आने वाले समय में, अब तो सारी चीज़ मध्य प्रदेश में जैसे टिकट मिलना चाहिए था, मध्य प्रदेश में ना तो कांग्रेस ने ना भाजपा ने, भाजपा को एक कम से कम एक टिकट पार्लियामेंट में
देना चाहिए था और लोग इस लायक हैं। आपकी ग्वालियर लोकसभा में अभी पाल बघेल समाज का लगभग 2 लाख वोट लोकसभा में होता है, तो ग्वालियर लोकसभा में काफ़ी लोगों ने मांग की, कांग्रेस से भी मांग की और भारतीय जनता पार्टी से मांग की, लेकिन कांग्रेस से सर्वाधिक लोगों ने टिकट मांगा, पार्टी से टिकट नहीं दिया गया। हाँ नहीं नहीं, ये हम मैं मान रहा हूँ, ये हम मैं स्वतः आपसे बता रहा हूँ कि हमारी मध्य प्रदेश में जो आबादी है, कम से कम एक टिकट हमें मध्य प्रदेश से मिलना चाहिए था। और ये इस पर ये बात जो है शीर्ष नेतृत्व तक जहाँ जहाँ इस तरह की स्थितियाँ हैं, हमें राजस्थान से भी एक, हमारी वहाँ संख्या भी ठीक है, हमें वहाँ से एक टिकट मिलना चाहिए था। हमारी गद्दी समाज हमारी हिमाचल में भी है, हम लोग अच्छी संख्या में, जम्मू कश्मीर में भी हमारे गद्दी लोग हैं, वो भी अच्छी संख्या में हैं, तो हमें वहाँ भी मिलना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको प्रमुखता से हमें शीर्ष नेतृत्व को उसका आभास कराना है, कराना, और उसके लिए हम अपने खासतौर से युवा साथियों से और पाल बघेल धनगर समाज के लोगों से मेरी विशेष तौर पर अपील है कि हमें अपनी ताकत का, अपनी संख्या बल का एहसास अगर हम समय समय पर कराते रहेंगे, लोगों को जगाते रहेंगे, हम अपनी उपस्थिति का एहसास कराते रहेंगे तो ये राजनीतिक दल हमारी उपस्थिति देख करके उसमें हमें इनको याद रहेगा कि हमें यहाँ पर इनकी उपस्थिति इन्होंने दर्ज कराई है, तो इनकी भागीदारी भी हमें राजनीति में, कहाँ इनको भागीदारी देना है, किस स्टेट में देना है, ये भी अपना आकलन करके। और हम जब दिखेंगे ही नहीं, जब हम सामने ही नहीं रहेंगे, वो दिखेंगे नहीं, उपस्थिति ही नहीं दर्ज कराएंगे, तो कोई भी राजनेता घर किसी के कुंदी बजाने नहीं आता है कि आप कुंदी पाल साहब, बघेल साहब या धनगर साहब, आप क्यों घर में बैठे हो, चलिए आइए हम टिकट दे रहे हैं, ऐसा कोई दल नहीं करता है जी। इसके लिए तो एक सवाल आपसे करना चाहिए, इस समय जालौन लोकसभा में आप कालपी विधानसभा में आपको प्रभारी बनाया गया है, कालपी विधानसभा में इस समय पाल बघेल समाज की सर्वाधिक जनसंख्या है, आप कितना प्रतिशत वोट भारतीय जनता पार्टी को दिला पाएंगे? देखिए स्वाभाविक है, ये कालपी विधानसभा पिछले 2022 में इस समाजवादी पार्टी के खाते में है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी थी, लेकिन इस चुनाव में हम दावे के साथ कह सकते हैं कि पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी है, तो हम पूरी तरह से पूरी ताकत लगा करके जो चुनाव हम 9000 से हारे हैं, हम इस चुनाव को 9000 की वो तो कमी पूरी करेंगे ही करेंगे, और 20,000 वोट से लगभग 29-30,000 वोट की वृद्धि एक विधानसभा से होगी, हम 20,000 वोट से कम 20,000 की लीड से कल भी विधानसभा जीतेंगे। तो आपकी जनाधार न्यूज़ पर बड़ा बयान आ चुका है, हमारे कालपी विधानसभा से प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के नेता राकेश पाल जी का 20,000 वोट से कालपी विधानसभा को जिताने की बात कर रहे हैं, जबकि इस समय समाजवादी पार्टी का वहाँ विधायक है, तो आपको लगता है कि जो समाजवादी पार्टी को जो वोट प्रतिशत मिला है वो भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल, अब जो माहौल है, अब जिस तरह का माहौल है कालपी विधानसभा में, पूरी तरह से OBC हमारा सारा का सारा उस समय हमारे सामने कालपी में पाल समाज का हमारा बसपा से कैंडिडेट लड़ रहा था उस समय, अब हमारा पाल बघेल धनगर समाज का वोट एकदम फ्री है और वो पूरी की पूरी तरह से समाज को, मैं तो आपको ये अंतर 20,000 का तो मैं सॉलिड आपको ये बता रहा हूँ कि 20,000 कम से कम, हो सकता है कि 50,000 का अंतर हो जाए जी। एक सवाल आपके सामने ये भी हम करना चाहते हैं, आपको पूर्व में वो दिन याद दिलाना चाहते हैं जब आपके ही पार्टी के, आपके ही सरकार के केंद्रीय मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया था कि लोकसभा चुनाव में हम राकेश पाल जी को एक बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं, वो जिम्मेदारी का इंतज़ार आज भी हमारी समाज कर रही है, कब मिलेगी वो जिम्मेदारी आपको? देखिए ये है, काम करिए, हमारा काम वो उन्होंने माननीय मंत्री जी ने कहा था
हमारा काम करने का है, ये ऊपर के लोगों का, संगठन के लोगों का काम है। मंत्री जी ने कहा था, मंत्री जी अपने स्तर से प्रयास कर रहे होंगे, निश्चित रूप से प्रयास किया होगा। ये संगठनात्मक ढांचा है और बड़ा परिवार है, तो निश्चित रूप से अब ये चुनाव, आपके पार्लियामेंट के चुनाव में हो सकता है कि उनको इस दिशा में हमें ये प्रभारी बनाया है और चीज़ें जिम्मेवारी दी है, इसमें क्या हमारा परफॉर्मेंस रहता है, ये पार्टी को जिम्मेवारी दे करके, हमारा परफॉर्मेंस देख करके, हो सकता देखने की बात, उससे पहले हमने कोई परफॉर्मेंस दिया नहीं, उससे पहले 2000 ये आपकी परीक्षा की घड़ी है। बिल्कुल, ये तरीका है, पार्टी ने जिम्मेवारी दी है, उसमें हमें खरा उतरना है। बुंदेलखंड में कितने पाल बघेल समाज की जनसंख्या होगी? बुंदेलखंड में लगभग हमारा झांसी, जालौन, ललितपुर और चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महुआ, 7 जनपद हैं हमारे, इसमें लगभग 19 विधानसभाएं हैं। बुंदेलखंड में लगभग 4 पार्लियामेंट हैं हमारी, 4 पार्लियामेंट में कुछ सीटें, एक आध दो सीटें अन्य जनपदों से भी, इधर जैसे जालौन गरोठा है उसमें एक सीट भोगनीपुर कानपुर की लगती है। बकाया बुंदेलखंड के मुख्य रूप से 19 विधानसभा सीटें हैं, 19 विधानसभा सीटों में लगभग हमारा 5.5 से 6 लाख वोट हमारे समाज का। तो भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड में कितने लोगों को टिकट दिया है आपकी पार्टी से, किसको नेता बनाया है अब तक? नहीं, अभी जैसे मैं UPCLDF का डायरेक्टर हूँ, आते ही साथ पार्टी ने मुझे प्रदेश स्तर का उस पर पद पर बैठाला है, और यही बुंदेलखंड से जो कॉपरेटिव सेक्टर में स्टेट लेवल का पद है दिया है, तो और आगे विधानसभा का चुनाव आगे 2027 में आएगा तो उसका मांग करेंगे लोगों को भागीदारी। यहाँ जहाँ तक पार्लियामेंट की बात है, पार्लियामेंट में चूंकि इस लेवल पे एक एक समाज को तमाम बहुत सारी समाजें हैं, तो उसमें OBC का भी एडजस्ट करना है, OBC में कई समाजें हैं, हमारा जनरल को भी एडजस्ट करना है, एक सुरक्षित सीट है जालौन गरोठा, उसमें सुरक्षित में भी तमाम SC के लोगों को, उसमें ज़रूरी नहीं है SC में 10 समाजें हैं तो कहेंगे 10 टिकट दो, तो 10 तो नहीं हो पाएंगे। तो लोकसभा के बाद आपको कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी जाएगी, आपको भरोसा है? हाँ बिल्कुल, जो भी काम करने के बाद ये देख रही है पार्टी, बात कर रही है, और हर व्यक्ति के काम को पार्टी के अंदर सारा मॉनिटरिंग होती है, और वो निश्चित रूप से परफॉर्मेंस देखते हैं कौन किस तरह किसकी परफॉर्मेंस है, तो ये पार्टी का काम है, वो सम्मान कब किसको कहाँ कैसे किसको क्या देना है, वो हमें अपना काम करना है, जो जिम्मेवारी है पार्टी अपना काम करेगी, हम अपना काम कर रहे हैं। जालौन लोकसभा से भानु प्रताप वर्मा और झांसी ललितपुर से अनुराग शर्मा 2 कैंडिडेट हैं, इनमें पाल समाज की भागीदारी कितनी मानते हैं आप, कितनी लोकसभा में भागीदारी है? किस समय झांसी जालौन ही नहीं, मैं कहता हूँ बुंदेलखंड की बात कर रहा हूँ, मैं आपको हमीरपुर की बात कर रहा हूँ, हमीरपुर पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, मैं आपको बांदा चित्रकूट की भी बात कर रहा हूँ, मैं पूरे बुंदेलखंड में पाल बघेल धनगर महासभा हमारी और पाल बघेल धनगर समाज जो हमारा यहाँ बुंदेलखंड में है, वो 90% मन बना चुका है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को हमें जिताना है, जिसने हमारी विरासत को, हमारे अतीत को, जिसने हमारे इतिहास को उभारा है, हमें सम्मान देने का काम किया है, और हम पूरी तरह से इस बार तीसरी बार आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में और सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में हमारा समाज देखना चाहता है, जिससे वो और अच्छी मजबूती से इस देश को विश्व गुरु बनाने में
एक अहम भूमिका निभा सकें, मजबूती के साथ आगे हमारा जो जिस तरह से सम्मान पिछले 10 सालों में इस देश का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि बनी है, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब प्रधानमंत्री इससे पहले कब किस देश में गए कब लौटाए पता नहीं चलता था, लेकिन आज बड़े बड़े देश जो दुनिया में अपनी बादशाहत दिखाते हैं, लेकिन जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री सामने होता है तो सारे बड़े बड़े प्रधानमंत्री नतमस्तक होते हैं और कुछ निर्णय लेने के पहले ज़रूर मशवरा आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से करते हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। एसपी सिंह बघेल को लोकसभा चुनाव के बाद भारत सरकार के अंदर बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी इस बार? देखिए, निश्चित रूप से जहाँ जहाँ मैं समझता हूँ पार्टी ने माननीय एसपी सिंह बघेल जी को जो भी जिम्मेदारी दी है, जो भी जिम्मेदारी उनको दी गई है, उन्होंने बखूबी और बड़ी चैलेंजिंग तरीके से उस जिम्मेदारी को स्वीकार किया है। चाहे वो करहल का चुनाव हो, चाहे वो फिरोजाबाद का पार्लियामेंट हो 2014 का, तो बहुत संघर्ष झेल करके और पूरा पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करके, अभी हम उस दिन आगरा में प्रबुद्ध सम्मेलन में प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्य जी वो बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि ये इतने चलने वाले देश के पहले सांसद होंगे जिन्होंने ट्रेन में कितना सफ़र किया होगा, शाम को कहीं सुबह कहीं और, शाम को कहीं और, शाम को कहीं थे, दिन में कहीं और, सुबह फिर पार्लियामेंट अटेंड कर रहे हैं। तो हर दिन प्रोग्राम, जिस व्यक्ति का हर दिन प्रोग्राम हो और सदन भी अटेंड कर रहा हो, और जब सदन नहीं हो तो फिर कभी रात को 12 बजे के पहले जिसने घर में एंट्री ना की हो, जनरली कभी भी सिंपल डे में लोगों को देखते हैं कि दो दो तीन तीन दिन लोग जनप्रतिनिधि घर में बने रहते हैं जब नहीं रहता है, तो इतना काम, और यही उनकी काम की बदौलत मैं समझता हूँ जहाँ भी वो रहे हैं अपनी काम की बदौलत उन्होंने अपनी छवि बनाई है, और इसीलिए वो पांचवीं बार सांसद बने हैं, और निश्चित रूप से इस बार भी वो भारी मतों से, वो आगरा की स्थिति है, इस बार वो 5 लाख से अधिक मतों से विजयी होंगे, जीतेंगे, और जब जीतेंगे तो वो अब पार्टी का प्रोपोगेटिव है इंटरनली, उन्हें क्या देना है, क्या काम लेना है, क्या करना है, संगठन में लेना है, मिनिस्टर बनाना है, कहाँ भेजना है, ये पार्टी का काम है। और वो जो काम मिलता है, हम ये जानते हैं कि जो भी काम दिया है उसको बड़ी बखूबी से उसको उन्होंने निभाया है, उस काम को अंजाम दिया है, जो भी पार्टी का आदेश मिलता है उसको करके पूरी। आपकी पार्टी को इस बार महाराष्ट्र से हमारे जानकर जी समर्थन दे रहे हैं अपनी पार्टी से, तो महादेव जानकर जी को भारतीय जनता पार्टी में विशेष तवज्जो मिलेगी या फिर नहीं? ये तो देखिए बड़ी बात है, वो अलायंस में पहले मिनिस्टर भी रहे महाराष्ट्र में, कैबिनेट मंत्री रहे हैं स्टेट में, इस बार उनको परवनी से जो औरंगाबाद के पास पार्लियामेंट है परवनी, जहाँ 5.5 लाख धनगर वोट है हमारा, वहाँ से उन्होंने टिकट एनडीए से भाजपा अलायंस से उनको टिकट मिला है और बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, और हमें लगता है कि वो इस बार पार्लियामेंट में जो अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे, और निश्चित रूप से आगे उनकी क्या भूमिका रहेगी ये उन्होंने अलायंस पार्टी से अलायंस किया है, तो ये चीज़ें बेसिकली तय हो गई होंगी कि किस भूमिका में हम रहेंगे। तो लेकिन अभी जो विश्व सूत्रों से या लोगों से जो लोग हमारे वहाँ लोग गए हैं और काम कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हम पोजीशन बहुत अच्छी है और इस बार
परवनी से राष्ट्रीय समाज पक्ष के महादेव जानकर साहब चुनाव जीते हैं। बिल्कुल, तो इस समय आपकी जन अदालत बीच पर आज हमारे खास इंटरव्यू एपिसोड में हमारे जालौन और कालपी विधानसभा के प्रभारी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में यूपी एलडीसीएफ के डायरेक्टर राकेश पाल हमारे साथ जुड़े हुए थे। तमाम मुद्दों को लेकर हमने सवाल किए लगातार। उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड पर आपकी जनता न्यूज का कवरेज जारी रहेगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर के प्रायोजक थे विरासत ए विराज होटल, जनपद झांसी उत्तर प्रदेश का शाही खाना खजाना का एकमात्र स्थान विरासत ए विराज, पता साई कुआ, जनपद झांसी मॉट। द मैरिज गार्डन देंगे, सारी इंडिया में जो फेमस फूड है हम लोग, द बेस्ट इन क्वालिटीज एंड बेस्ट इन स्टाफ हमारे पास है। ए सी सारी चीज हमारी वेल डिजाइन है जी। और तरफ ग्रीनरी है, स्टे करने के लिए पार्किंग एरिया है जी। ए सी रूम्स अवेलेबल हैं। जैसे फैमिली को अगर आप क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो आप मस्ट विजिट दिस प्रॉपर्टी। आई वुड से दाल रोटी का दोनों का पैकेज 120 रुपए में भरपेट निपटाएंगे। हमारे यहाँ जयदेन्द्र गुआ सरकार की एक बार नारा लगाएगा, एक बार नारा लगाने से उसका 10% डाउन हो जाएगा। माना कि आपका 1000 रुपये बिल हुआ, आपको सिर्फ इतना करना बोल देंद्र गुआ सरकार की जय। 900